सुप्रभात कक्षा द्वादश के भैया बहनों, आज दिनांक 13/7/2020 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि क्रम चल रहा है, गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों, उसी क्रम में आज कुछ और प्रश्नोत्तर मैं आपको समझाने के लिए तत्पर हूँ। तो आज कुछ परिवर्तन है, क्योंकि जो ये प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, जिनमें से 5 अंकों का गद्य साहित्य का इतिहास होता है, अर्थात उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं, और 5 अंकों का काव्य साहित्य का इतिहास होता है, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं। तो आज से अलग अलग, यानी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य अलग अलग ना समझाकर, उसके अलग अलग प्रश्नोत्तर ना देकर, प्रश्न पत्रों में आए हुए, यानी गत अनेक वर्षों में प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नोत्तर, अर्थात 5 अंकों का पहला प्रश्न गद्य साहित्य के प्रश्नोत्तर और 5 अंकों का दूसरा प्रश्न काव्य साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का, तो ये दोनों सम्मिलित हैं, समन्वित हैं, अलग अलग नहीं है। और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर, अपनी कॉपियों पर उसी क्रम में उसी प्रकार से एक साथ लिख लेना है, यह मानकर कि प्रश्न पत्रों में इसी प्रकार से 2 प्रश्नों में आते हैं, अर्थात आपके 2 प्रश्न हल होंगे, उसके विकल्प होंगे और उसके अंतर्गत अन्य उपभाग होंगे, क ख ग घ, इस प्रकार से करके 5-5 प्रश्नोत्तर होंगे। और एक प्रकार से अनसॉल्व पेपर से लिए गए, जिसमें गत वर्षों के 10 वर्षों से लेकर और अब तक के हर साल आए हुए प्रश्न पत्रों में से संकलित प्रश्न पत्र, इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर उसी क्रम में आज की दिनांक डालकर करना। इनका सबसे अधिक महत्व ये है कि एक तो इनके अंक प्राप्तांक जो है, जितने आपके उत्तर सही होते हैं उतने ही प्राप्तांक आपको प्राप्त होते हैं। 10 अंकों के दोनों प्रश्नों के उत्तर होते हैं, और इसलिए यदि आपने 10 उत्तर 10 विकल्प सही लिख दिए तो बिना एक भी अंक कटे हुए आपको 10 अंक मिलते हैं। इसलिए इनको कभी भी लापरवाही में या हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। इनके भी फोटो मैं आपको भेजूंगी, क्योंकि बोलकर लिखाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए इनके भी फोटो मैं भेजूंगी और आज की डेट डालकर आप इन प्रश्नों को इसी क्रम में एक साथ ही इनको लिख लेंगे। ध्यान देना यह है कि इनका क्रम आपका टूटना नहीं चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक तरीका मैं और बता रही हूँ कि आप लोग पाठ्य पुस्तकें खरीद लें, हो सकता है आपने खरीद भी ली होगी, तो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी कवि अथवा लेखक हैं उन सब की जीवनी मैंने आपको लिखाई है, तो उन सब की जीवनी के महत्वपूर्ण तथ्य अपने संज्ञान में रखें, उनकी रचनाएं, रचनाओं की विधाएं, रचनाकारों के जन्म की प्रमुख घटनाएं, अर्थात उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि, उनकी साहित्यिक जीवन से संबंधित जो व्यक्त किया गया है, जो उनके विषय में बताया गया है, ये अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे इन प्रश्नों को हमें अधिक, इन पर बहुत अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे ध्यान में रहेंगे या उसी से संबंधित ये प्रश्न आते हैं। तो मैंने इसमें जो प्रश्न दिए हैं, जो लिखकर आपको भेजूंगी, तो इसमें आप ध्यान से अगर उनको देखेंगे तो अधिकतम प्रश्न, अधिकतम बहुविकल्पीय प्रश्न, वो सारे प्रश्न हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचनाकारों यानी लेखकों के जीवन से, उनकी रचनाओं से, उनके साहित्यिक परिचय से संबंधित हैं। इसलिए रटने की अपेक्षा आपको उनकी जीवनी बहुत ध्यान से समझनी और पढ़नी है। तो इस प्रकार से मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर इनको भेज रही हूँ, आप इनको लिख लेंगे और आज और कल 2 दिन में आपको और प्रश्न भेजूंगी, उसके पश्चात
फिर मैं आपकी पाठ्य पुस्तकें प्रारंभ करूंगी जिसमें काव्य से प्रारंभ होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पाठ उनके द्वारा रचित जो प्रकरण आपके पाठ्यक्रम है पवन दूतिका उससे संबंधित व्याख्याएं समझाई जाएंगी। अतः ये निर्देश है आप सभी लोगों को कि बुधवार तक प्रत्येक स्थिति में आप अपनी पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था कर लें। आप अपने जो सीनियर्स हैं जिन्होंने इंटर किया है उनसे भी पुस्तकों को ले सकते हैं क्योंकि बिना पुस्तक के आप व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए एक तो पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था कर लें क्योंकि परसों से अर्थात बुधवार से ही मैं आपको पाठ पढ़ाना प्रारंभ करूंगी अर्थात व्याख्या समझाना प्रारंभ करूंगी। और इन व्याख्याओं को जैसे जैसे मैं समझाऊंगी उनको आप वीडियो की सहायता से अपनी काव्य की कॉपी पर यानी काव्य की कॉपी जिस पर आपने काव्य की जीवनी लिखी है उस कॉपी पर शीर्षक पाठ रचनाकार दिनांक आदि सब डालते हुए उनकी व्याख्याएं अभ्यास के रूप में करेंगे। धन्यवाद।